अस्सलामु अलैकुम डियर माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जुम्मा मुबारक तमाम फ्रेंड्स को मेरे। सो जी, आज है जुम्मा और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बिरयानी पकाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने टमाटर, हरी मिर्चे, चिकन सारी चीज़ें सामने ही रखी ताकि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। यहाँ मैंने जो प्याज था उसको ऑयल में डाल दिया था। अब जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें तमाम चीज़ें डालेंगे। जुम्मे का दिन होता है ना, तो हम कहते हैं कि सबकी यही कोशिश होती होगी कि बस जल्दी जल्दी से काम करके उसको फारिग कर दें। तो यहाँ दूसरी तरफ मैं बना रही थी चिकन का सालन और एक तरफ अपनी बना रही थी बिरयानी, जिसमें मैंने ना प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद मैंने उसको टमाटर डाल के हल्का सा ढक दिया था। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो उसमें चिकन डाल दिया और मसाला बिरयानी डाल दिया। और ये जो आलू थे ये मैंने अलग थोड़े से जर्दे के रंग डालकर जो था इसको मैंने बॉईल कर लिया था, हल्का बॉईल किया था, ज़्यादा बॉईल नहीं किया था मैंने। और बाकी क्योंकि आधे मैंने गला लिए तो आधे ये सालन में हो जाएंगे। तो ये मैंने हमारी चिकन का मसाला भून के अच्छे से मैंने हरी मिर्च और ये जो आलू बॉईल किए थे ये सब मैंने उसमें डाल दिए थे। ठीक है जी, ये देखें दूसरी तरफ वो जो मैं आपको दिखा रही थी, वो मेरा चिकन का सालन भी रेडी हो चुका था। मेरी ये था कि बस जल्दी 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 मैं काम कर लूँ। तो ये भी मेरा बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया था। इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और थोड़ी सी काट के ना इसको मैंने रख दिया दम पे। अब हम करेंगे बाकी की जल्दी जल्दी काम। ये देखिए ये भी कितने मज़े का लग रहा है। मैंने पता है आपको, इस बार मैंने ना दोनों, मैंने कहा दोनों चीज़ें ना मैं एक ही साथ पकाऊंगी। यहाँ मैंने जल्दी से इब्राहिम के जो थे शलवार कमीज़ इस्तरी की, इनकी जुम्मा था तो इब्राहिम को डेफिनेटली मैंने शलवार कमीज़ ही पहनाने थे। तो जल्दी से खाना बना के मैंने शलवार कमीज़ इस्तरी की है। और इस वक्त तकरीबन 1:15 हो रहा था और ऑलमोस्ट मेरा तमाम काम हो चुका था, बस इब्राहिम को नहलाना जो है वो नहा धो के तैयार हो चुके हैं। इब्राहिम आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, मैं आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन हम क्या पढ़ते हैं? आपसे पूछ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कहाँ जा रहे हो? स्पाइडरमैन की इधर। ये इब्राहिम है और इनकी जिंदगी बस ये स्पाइडरमैन है, दूसरी कुछ नहीं है, है ना? क्यों? अच्छा दुरूद शरीफ तो पढ़ लो। तो जी हम आ चुके हैं वापस अपने किचन की तरफ और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। यहाँ चावल भी जो है उनको बॉईल कर लिया था गरम मसाला वगैरह डाल के, नमक डालकर। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ना चावल डाल देंगे और फिर इसमें मसाले की एक तह लगाएंगे, फिर इसके ऊपर दोबारा हम चावल रखेंगे और इस तरह से पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और जर्दे का दम डालकर हम इसको दम कर देंगे। ये हमारी बिरयानी हो गई रेडी। जुम्मे के दिन तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों के घरों में यार चावल की डिश ही पकती है। ये देखें कितने मज़े की लग रही है, उम्मीद है खाने में भी बहुत टेस्टी होगी, लग शक्ल से अच्छी रही है बिरयानी। सो जी हो गई, और ज़्यादातर लोग ना जुम्मे के दिन चावल ही पकाते हैं, मोस्टली घरों में यही होता है। यहाँ तो बिरयानी, पुलाव, मतलब चावल की शक्ल में कुछ ना कुछ बनता ही है। तो आज हमने भी ना बिरयानी बनाई क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी, क्योंकि नज़ले, खांसी, बुखार सबको हो रहे थे तो इस वजह से। लेकिन आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा बिरयानी का, तो मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा आज तो भाई बनानी है बिरयानी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इब्राहिम सुना रहा है लिटिल फिंगर है ना, हाउ डू यू डू। अच्छा, रिमोट फेंकने से गुनाह मिलता है। तो जी बिरयानी बन गई, बच्चे भी सो चुके हैं, नमाज भी पढ़ ली है। अब मैं पढ़ूंगी अपना दुरूद मुकद्दस, तो मैं पढ़ती हूँ और जुम्मे को मैं ज़हर की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ ये। और तो फिर अब हम करते हैं व्लॉग को एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत फ़ायदेमंद होता है ये दुरूद भी, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं कि इस दुरूद पाक के पढ़ने के क्या क्या फ़वाद हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है। सो आप लोग देखिए, और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए, जुम्मे के दिन दुरूद है ये तो। और वैसे भी कहते हैं कि अच्छा से दुरूद पाक पढ़ें, हर दुरूद में शिफा अलग।
तो बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।